यहाँ हाईकोर्ट गेट नंबर 5 के ऑपोजिट श्री राम भक्त हनुमान मंडल द्वारा पिछले 39 ईयर से गणेश जी का पंडाल लगाकर स्थापना की जा रही है। गणेश स्थापना के साथ साथ यहाँ पर दुर्गा पूजन भी करते हैं। मैं पंडित विशेष शर्मा, अध्यक्ष तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ग्रेटर हैदराबाद, कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेल के तहत में आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ तथा पिछले 39 वर्षों से दो पीढ़ियों के सहयोग से यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और प्रत्येक वर्ष 10 दिन के अंतर्गत 3 दिन का लगभग अन्नदान किया जाता है और प्रति रात्रि में लगभग 50 से 60 लोगों को जो है प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है। आज का कार्यक्रम यहाँ विशेष शाम में 7:30 से 8:30 बजे के बीच में अन्नदान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में सम्मिलित होकर भगवान गणेश जी की आरती की एवं प्रसाद का लाभ उठाया। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजर कमेटी श्री राम भक्त हनुमान मंडल के सभी सदस्यों को, लाला तथा उसके सभी सहयोगी ऑर्गेनाइजरों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रत्येक वर्ष इसी वर्ष के जैसे हम पिछले आने वाले 39 वर्षों में दो पीढ़ियों से ये हम गणेश स्थापना कर रहे हैं, कभी भी धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का रक्षण अगर हम करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा। तो हमको ये चीज़ का ध्यान देना है और इसी परंपरा को निरंतर बनाए रखना है। इसके लिए जब भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत रहेगी, आपको ही नहीं गणेश पंडाल में या कोई भी धार्मिक कृत्य में कोई भी तरह की अड़चन आ रही है, हमारी टीम हमेशा आप लोगों के साथ है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंतता से गणेश पंडाल का विसर्जन करेंगे। सर, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि टैंक बॉन्ड में नहीं डालना बोल के, उसके बारे में क्या? ये जो ऑर्डर इशू हुआ है, कहा तो तेलंगाना के हाईकोर्ट ने कहा गया है, मगर इसके पीछे की रूपरेखा पूरी TRS गवर्नमेंट का षड्यंत्र है। एक तरह से धार्मिक भावनाओं को जो है संवेदनाओं को अवहेलना में लाने का कृत्य तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, जो ये हमेशा से ही करते आती है। भय रुपया गवर्नमेंट है, सामने तिलक लगाना और दुपट्टे पहनकर पूजा पाठ करना और जाकर इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी तरह के आप देख लीजिए, जब से तेलंगाना गवर्नमेंट सत्ता में आई है किसी न किसी तरह से, अभी मुहर्रम के टाइम पर उससे पहले बहुत बड़ी एक सभा हुई चार मीनार के पास, उसमें कोई अड़चन नहीं आई, मगर मुहर्रम के टाइम पर भी इस तरह की अड़चन लाकर मुहर्रम के जुलूस को भी रोक दिया गया। ये एक तरह का षड्यंत्र हिंदू मुस्लिम के अंदर भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब है हैदराबाद की, इसको खराब करने का षड्यंत्र है। हम तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम कल ही तुरंत इसके ऊपर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेल की तरफ से सभी गणेश पंडालों से सहमति लेकर उनकी सिग्नेचर लेकर एक जाकर उनको अपील करेंगे, एक लेटर देंगे राइटिंग में कि आपने ये जो भी कृत्य किया है, हाईकोर्ट ने तो हम सब आम नागरिक, कोई भी पार्टी हो, सर्वोच्च न्यायालय जो है उससे ऊपर कोई नहीं आता है, तो हाईकोर्ट ने जो कहा है अभी हम उसका कोई भी तरह से उस पर बयान नहीं देंगे, उसकी जो भी बात है उसको मानेंगे, मगर इसकी अपील जरूर हम उनसे प्रार्थना करते हैं TRS गवर्नमेंट से कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति भी द्वारा लेटर दिया गया है तथा हम सब भी मिलकर और भी जो है गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे और गणेश विसर्जन पिछले जैसे 40 वर्षों से विनायक सागर टैंकमेंट में किया जा रहा है, आगे आने वाले भी 40 वर्षों में, आगे आने वाली पीढ़ियों में भी वहीं पर होगा, इसकी सुनिश्चितता तय करें तथा आप अपने सौंदर्यकरण को जो भी तरह से बना रहे हैं चीज़ों को, इसमें बहुत अच्छा हम हैदराबाद की जनता सहयोग करेगी आपको। टैंकमेंट को आपने संडे के दिन जो है बंद कर दिया, किसी ने कोई तरह का विरोध नहीं किया, जो आप अच्छे काम करेंगे बरोबर जनता आपका साथ देगी, कोई भी विपक्षी पार्टियां हैं सब आपका साथ देंगी, मगर इस तरह से धर्म से, धर्म की भावना से खेलेंगे तो कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोग किस तरह सुप्रीम कोर्ट को गया आप लोग? अभी सुप्रीम कोर्ट को हम लोग नहीं गए हैं, अभी हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट के माध्यम से ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गलती तेलंगाना गवर्नमेंट की थी, तो इसको इसकी गलती का एहसास भी होना तथा इसका पर्दाफाश होना आम जनता, आम भक्तों के सामने भी, और हम ये पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं अगर तेलंगाना गवर्नमेंट 2 दिन के भीतर अगर कुछ भी कदम या संतोषजनक उत्तर नहीं देती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और विनायक सागर में टैंकमेंट के अंदर ही भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन। हाईकोर्ट गेट नंबर 5 के ऑपोजिट श्री नटखट गणेश बाल मंडल, जो पिछले 40 सालों से यहाँ पर गणेश जी का पंडाल और गणेश जी की स्थापना की जा रही है, जिसका बहुत ही शुभारंभ जो है परसों किया गया और आज विशेष तौर पर सायंकाल में पूरे बस्ती के लोग मिलकर आरती करते हैं। ऐसे ही हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर बस्ती में, हर मोहल्ले में पहुंचकर जो गणेश पंडाल बिठा रहे हैं
उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं तथा भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेकर आगे आने वाले सभी कार्यों के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, और जो तेलंगाना में कोई भी तरह का पाप बढ़ रहा है उसके शमन के लिए, और कोरोना से जो संबंधित भय अभी भी बरकरार है उसके शमन के लिए। यहाँ का रहने वाला सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारे बस्ती में ये 40 साल से गणेश जब से स्टार्ट हुआ है लॉन्ग रन प्रोसीजन, जब से हमारे बच्चे बस्ती में मेहनत करके बिठाते हुए, अब उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी ये बिठा रही है। हम यहाँ पर हफ्ते में 3 वक्त अन्नदान का कार्यक्रम करते हैं और ये बच्चे खूब मेहनत से दिल लगन लगाकर काम करते हैं। लाला और उनकी पूरी टीम दोस्तों के साथ यहाँ पर हमेशा हर कार्य में आगे रहती है। ये लोग हर उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं।